All the teams are out. Cheers, Sunita. You know your favorites. You know all your favorites. तो अभी हम निकल चुके हैं, मेरे साथ में है पीछे सोनिक। यहाँ पे हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। अभी हम हैं सत्या निकेतन में और हमारे साथ हैं, और ये जा रही है हमारी गाड़ी। अंश भाई साहब ने हमें ड्रॉप करा और अब हम भाग रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। अभी टाइम हो रहा है 10 बज गया है, अपनी 11:15 की फ्लाइट है, तो अपने को भागना पड़ेगा और हम भाग रहे हैं। हम डिजी यात्रा की एंट्री, हमारा डिजी यात्रा का वो है, तो हम यहाँ से स्कैन करके करेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चेक इन हो गया, अब हम यहाँ से रास्ता ढूंढेंगे। तो गाइस देखो, इसका फिट चेक देखो ज़रा, इतनी टाइट फिट पहनता है, एकदम फिट एंड फाइन बनता है हमारा। और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं आराम से। हमारा चेक इन 10 मिनट पहले हुआ, बिल्कुल यहाँ पे हम आए हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर लाइन लगनी चालू हो गई थी और वो हो भी गई है, तुम देख भी सकते हो। ये देखो लाइन लगनी यहाँ पे चालू हो चुकी है। भाई ऐसे पकड़ना पड़ता है। हाँ तो लौटो, हम लोग बैठ चुके हैं अपनी फ्लाइट में। ये आदमी ने ले ली मेरी फ्लाइट की सीट, विंडो सीट पे बैठ गया जबरदस्त। मेरी सीट है, बहुत मेरी सीट थी, मेरे नाम पे सीट थी, ठीक है। ये एफ वाली सीट मेरी थी, फिर भी इसने जबरदस्ती ये आगे आगे चला गया। दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा उसमें डिटेल्स है। आगे आगे चला गया ये आगे आगे चला गया जबरदस्ती, मेरे को एंट्री लेने का मौका भी नहीं दिया। पीछे से भीड़ आ रही थी, मैं गया चल घुस जाओ, मेरी विंडो सीट चुरा गया। तो गाइज हम लोग लैंड कर चुके हैं, अब ये जा रहे हैं हम लोग अपना बैगेज बेल्ट तक। और यह रास्ता भाई, मुंबई एयरपोर्ट कितना बढ़िया डेवलप्ड है यार, ऊपर रखना पड़ता है इसके लिए। एक आते हुए हम लोग वड़ा पाव, ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट ऑफ मुंबई। तो अब हम निकल गए हैं तैयार वैर होके नहा धो के। कितना टाइम हो रहा है देखो, 11:20 हो गया है भाई, और 12:30 में पहुँचने में लग जाएगा इवेंट पे। लेकिन कोई बात नहीं, इट इज़ वॉट इट इज़ नाउ, और मिलते हैं सीधा लैंड से शुरू करते हैं। भाई क्या लिखा है, तो भाई भी इतनी प्यारी आ रही है। ये देखो इधर बॉक्स ऑफिस चल रहा है, इधर उधर एंट्री, जिन 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 लोगों को टिकट लेना है वो चल रहा है। अब हम जाएंगे गेस्ट लिस्ट में, देखते हैं नाम है या नहीं है। इधर अपनी फाइनल वो चल रही है, और ये होती हुई हमारी एंट्री उधर से। भाई एंट्री हो गई है, हम लोगों को मिल गया है वीआईपी एक्सेस, और हम कंटिन्यू करने वाले। देखो भाई ये देखो, ये एयर ड्रॉप्स हैं दो, तो फाइनल बैटल करके लेफ्ट राइट दोनों साइड यहाँ से एंट्री है। यहाँ पे वीआईपी वाला डिनर वाला सेक्शन है, यहाँ पे कुछ और है, सीटिंग है, रूम्स हैं, और अब हम जाने वाले हैं यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, राइट। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे। अभी गुरु भाई दिखे थे लेकिन मिलना नहीं हो पाया, वो बिजी थे, आगे आगे चले गए काफ़ी। कोई नहीं, मुलाकात तो होती रहेगी। अभी यहाँ पे गेमिंग चल रही है, एस्पॉन लाइन नहीं, सॉरी दूसरा गेम चल रहा है भाई। और पूरा सेटअप बैठा रखा है भाई, पूरा गाड़ी का सेटअप है। यहाँ ग्रीन स्क्रीन चल रही है, ग्रीन स्क्रीन के हाथ में देखो ये लोहंडा फोटो खिंचा रहा है। इधर बिलबोर्ड्स बन रहे हैं, इसे मैंने अभी देखा एक बंदा लिख रहा था 10 रुपये की पेप्सी स्काउट वाइज सेक्सी। और यहाँ से हम फिगर आउट कर रहे हैं कहाँ से चलना है। अरे भाई स्टेज ओह फक, नीचे देख के चलो, क्या सुंदर स्टेज है भाई, वाओ क्या लोग बैठे हैं भाई। आ बेटे बंद कर दूं भाई, हो गई हमारी एंट्री फाइनली। सफेद सोफे पे बैठे हम लोग, आग बस। तुम लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ, अगर तुम लोगों को दिख रहा हो देखो भाई, पीछे तक सीटिंग है, इतनी दूर दूर तक ऐसे चल रही है। यहाँ प्लेयर्स खेल रहे हैं पूरे, तो देख रहे हो आगे तक के प्लेयर्स बैठे हुए हैं, और इधर काउंटडाउन चालू हो चुका है भाई। ऐसे देख रहे हो चीयर्स हो रहे हैं, अभी तो स्टेडियम भरेगा भाई, पूरा भरेगा। अब मैं तो ये बात करता हूँ, जिन जिन लोगों ने भी भाई बोलिया ना, जिन लोगों ने भी फ्री एंट्री की जगह ब्लैक में टिकट खरीदा भाई, उनका कटने वाला, क्योंकि इतनी सारी ऑक्यूपेंसी है ना इधर, आराम से कोई भी जा सकता है भाई, कोई भी, सबको लेके आओ, सबके लिए फ्री एंट्री यार, कितना सही है सिस्टम। और हमारी
फिर से लंबा नहीं, जूतों की वजह से होगा वो, जहाँ तक है ये देख द मैन हिमसेल्फ स्काउट सर काशी जी मोगाम्बो भाई आदि सर भाई आज MVP चाहिए पूरा चाहिए भाई माय बेस्ट विशेस सच में भाई हाइप तो है वैसे उधर देखो हमारा काफी लोगों से मिलना हुआ अभी ओशन भाई से भी हुआ कौन बैठा अपने साथ में ये भाई तो ये पता तू ब्लाइंड का है या फिर कॉर्डेल का है भाई ये देखो तुम ओहो भाई ओ आ रहे टीम नंबर 2-4 अग्रेसिव मैन आइए आइए एंट्री 4M की एंट्री होती हुई कैमरामैन देखो कैसे आ रहे हैं अरे भाई साहब अरे भाई गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को यहाँ पे टीम नंबर 3 ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग ये कौन सी टीम है ये कौन सी टीम देखो शक्लें देख लो सबकी भाई साहब भाई क्या स्टेज है यार क्या स्टेज है Number 4 MICI Esports. MICI entry होती है। यहाँ पे पावर अपनी girlfriend को पूछते हुए कहाँ है? Girlfriend को बुला रहा है। Girlfriend कहाँ है? कौन है girlfriend की? नाम बता दे कौन सी गर्लफ्रेंड को फोन करा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है बात करते करते हो यहाँ पे हो गई है कौन सी टीम की एंट्री हुई पता नहीं लेकिन भाई वाइब है यार मैंने मिस कर दिया कौन सी टीम है भाई ये ओह TWM मेक सम नॉइज फॉर ग्लिच एक्स रीबॉर्न देखो क्या चल रही है यार मुझे नहीं पता स्क्रीन पे कैसे दिखाने वाले हैं वो मैंने तो सारी टीम्स की एंट्री रिकॉर्ड कर नेक्स्ट वी गॉट CSE स्पोर्ट्स क्या है भाई यहाँ पे तो कैमरे इतने सारे हो गए देखो जाते भी चाय सुट्टा क्या बात है भाई वाइट तो है यार टूर्नामेंट हो तो ऐसा ये देखो फॉलोइंग अप नेक्स्ट इज नाइट आउल मेरी फेवरेट टीम है देखो भाई सब ये आते हुए हमारे फेवरेट प्लेयर हमारी फेवरेट टीम की एंट्री होती थी अरे ये आए देखो ये आ रहे ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया गाइस उसके बाद पूरा बिग ब्रदर इज अरे बीबी यार भाई इस टीम के लिए मैं रूट कर रहा हूँ आई एम रूटिंग फॉर दिस टीम आने दो अरे भाई बड़े सारे कैमरे लग गए यार उस साइड बैठा होता ना ज्यादा सही रहता बट ठीक है इट इज व्हाट इट इज मिडवे आती हुई टीम ये निंजा क्या एक्वानॉक्स भी आता हुआ भाई ये देखो तुम आप बेटे वी गॉट मेडल मेडल इज
players because this is a LAN event. क्या इवेंट है बे? Revenant! ये देखो हमारे रोशन भाई लगे हुए हैं, अब आ रहे हैं इनकी टीम होने वाले। देखो सेंसे भाई आ रहे हैं, ये देखो हमेशा भाई बढ़िया सा सिग्नेचर मूव तक करते करते हैं सेंसे भाई हमेशा। अरे इनकी वो देखो ऊपर भाई, शोर सुनो तो ब्लाइंड आ रही है। ये होती हुई एंट्री, यहाँ से क्लियर हो गया स्टेज। आई होप कोई आए ना, और यह आती हुई ब्लाइंड की टीम। भाई साहब जो वाइब है ना यार, कसम से तुम होते तो ही तुम्हें समझ में आता क्या वाइब है। Last two teams left to come out on stage. One of them is Gladiators. Champions, the OG Gladiator Esports. BGMS winners, guys. Oh, bede Justin, Delta, Destro. Yeah. देखो expert का show. Getting one team. ये आदित्य, अरे भाई क्या, अरे स्काउट भाई भी है पीछे। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। Cheers. बस ये वाली जो लाइन है यहाँ से बैठे फॉर द वेरी फर्स्ट मैच ऑफ BGIS 2023। I'm gonna point at you and when I do the wave, दूर दूर तक बैठे हैं सब। Hear the voice go from there. Are you guys ready? Well, it seems like we're ready. Over to the casters for the very first match of BGIS 2023. Let's go! देखो क्या चल रहा है भाई। होते हैं बट कुछ ही टीम के या किसी एक टीम का वो सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। मैं हूं अंकित पांडे, क्या की बॉट मेरे साथ मौजूद है मेजी, साथ में स्पीरो और हम रहने वाले हैं आपके स्टोरी टेलर्स। देखना चाहिए कि आज के दिन का घमासान मुकाबला आखिर जाएगा कैसा। और सबसे पहले कैसे आप लोग? बहुत ही ज्यादा बढ़िया, और क्राउड का जो चीयरिंग था देख के मुझे लगता है गूज बॉम आना बनता था। बिल्कुल, मैं अच्छा हूँ आंटी, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे जो सपोर्ट हम देख रहे हैं, लाइव पे जो हम सपोर्ट देख रहे हैं, इट इज फिनोमिनल। एंड मैचेस का बस इंतजार है। जी हाँ, मैचेस का मुकाबला जरूर से रहने वाला है, उसका इंतजार जरूर से रहेगा। बट देखना ये भी है कि अब जो हमारा पूरा इवेंट हमने अभी तक देखा, यहाँ पे ग्रैंड फाइनल्स तक आप कह सकते हैं 8 अंडरगॉड टीम्स बैठी हैं, और 8 वो जो दो लाइनअप्स है ओजी लाइनअप्स है वो बैठी है। What are you टीम आती है? अभी फिलहाल भी अगर मैं अंडरगॉड्स के जाना साथ जाना पसंद करूँ तो बिल्कुल गलत होगा। मैं शुरू से पढ़ी होने वाली है स्टार्टिंग, और देखो कौन आया है। इस मुकाबले में कौन बड़े लोग लेकर के जाएंगे? इनके आते ही शोर मचा चालू हो गया था, और यहाँ पे गेम स्टार्ट हुआ पहला। भाई यहाँ जो बहुत जो चीयर्स हो रहे भाई, एक एक नॉक पे बहुत ज्यादा बैक फुट पर आखिरी खिलाड़ी मात्र उनका इस मुकाबले में। बड़ा हाथापाई भी की गई है खिलाड़ियों के द्वारा, और पहला जो फर्स्ट फिनिश है वो भी पूरे BGIS 2023 का, और टीम नाइट आउल्स उन्होंने दिखाया है। इधर पीछे से एस पावर ट्रोल कर रहा है मुझे, फिलहाल तेरा बंदा देख, तेरे टीममेट फेवरेट मार रहे हैं। प्रेशर कितना ज्यादा था उनके ऊपर।
जो ये शोर हो रहा है, क्योंकि एक तो ऐसा हार्ड शिफ्ट आया, दूसरा ओआर और टीएक्स दोनों एक ही जोन में एंट्री ले चुके हैं, ओआर की ऑलरेडी फाइट चल रही है और यहाँ पे शोर सुनना। डैमेज काफी खा चुके हैं, नॉक इनको भी करा जाएगा एडमिनो, एक टीपीएस उनके पास है, उनको डीपीएस बहुत अच्छे से चलानी आती है एडमिनो। ये देखो तीन फ्लैश निकालती है ओआर ईस्पोर्ट्स, बट कहीं ना कहीं दो प्लेयर्स के गायब होने, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने आईजीएल को खो दिया, जेनिता आईजीएल चल रहे हैं हुए और तीन फिनिशर्स उनके खाते में आए। टीम एक्स पार्क उन्होंने क्लियर तो कर दिया हुआ है, देखो टीएक्स आ जल्दी करके ऊपर से आ रही होगी, चाहते हैं कि शुरुआत ये देखो आ गई की जाए, टीएक्स ने ओके बाय कर लिए वो जगह पे, के बाजू में एक और टीम मिनी मैप में आप देख पाएंगे, यहां से तो नहीं होगा एंगेजमेंट फाइट का, मिनी मैप से बहुत जल्द ओआर के ऊपर हमला हो सकता है, बट 4M की स्क्वाड वो बनेगी दूसरी टीम। टाउल से इसका इस्तेमाल कर दिया गया, तो अलग से चल रही है लेकिन यहां पे टीम एक्सपर्ट के नारे लग रहे हैं, किया गया बट टीम इसी के साथ उनको भी डाउन किया जाएगा। वैको एक आखिरी खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, मात्र अपनी टीम से वाइप होने वाली है ऐसा लग रहा है, प्लेयर्स को दूर दराज इलाके भाई साहब स्टन ग्रेनेड मार दिया, यहां पे आगमन अपना कर सकती है और टीडब्ल्यूएम भी रिवाइव दे रहे हैं, नीचे एक ही बंदा नीचे बैठा है, ऊपर देखो और भाई ड्रैको रह गया अकेला, रिवाइवल रह गया, नीचे से रिवाइव हो गया और भाई अब घुसने वाली है टीम पूरी टीडब्ल्यूएम वाली, रीसेट करने का मौका कहीं ना कहीं उनको मिला था, क्या फाइट है, इंटेंस फाइट काफी नजर आए, मुझे लगता है अमेजिंग, ये कंपाउंड एक हॉटस्पॉट बन चुका है जहाँ पे चारों तरफ से स्प्रेज आ रहे हैं और साथ ही साथ मुझे लगता है मेडल की स्क्वाड मिनी मैप में आप देख पाएंगे, ट्रैक को तो निकल की कोशिश कर तो रहे बट टीम मेडल के लिए क्या बड़ी एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम है, टॉप डॉग सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, सैम को किया गया डाउन, डेस्टिनी अंदर अभी भी मौजूद है, ट्रैको वो इंतजार में कि जो फ्रैग्स हैं वो निकाले जाए, एटलीस्ट चोरी किए जाए तब भी कम से कम उनको वो फ्रैग निकालते हुए दिखाई देंगे, मुदे उनको भी समाप्त किया गया और अगर मैं गलत नहीं तो मैक को आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से, जोन काफी छोटा हो गया भाई, और टीम जिनका भी एलिमिनेशन होता हुआ सारंग स्पॉट किए गए गॉडबॉट के द्वारा, तीन फिनिशेस हैं इस वक्त गॉडबॉट के बाद, अगले सर्कल का शिफ्ट और एक बार फिर से टीम एक्स पार्क वो सर्कल के अंदर, अपने आप को पाएंगे ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स को भी स्पॉट किया यहाँ पे, अच्छा एडवांटेज बन सकता है ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के पास, ग्लैडिएटर्स मीन वेल वो भी अभी जोन के बाहर है, उनको भी रोटेट करना पड़ेगा जोन के अंदर, स्पार्की के पास बुलेट्स नहीं है यहाँ पे बेसिक, थोड़ा सा बलना पड़ेगा उनको, और देखना ये कि अब S12K कर पाएंगे, उन्हें फ्रैग्स की जरूरत थी अगर MVP में अपना नाम शुमार करना है तो, बट फिलहाल के लिए प्लेसमेंट का शिकार होना कर दिए गए और इसी के साथ निंजा जॉर्ज जब तक वो आ पाते जब तक वो देख पाते वो खिलाड़ी प्लेसमेंट के बाहर ही समाप्त हो गया, बट डेस्ट्रो द डिस्ट्रॉयर उन्होंने अपना नाम रखा था डिस्ट्रॉयर, बट इसी के साथ देखना ये है कि ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग इस मुकाबले में टीम एक्सपायर के अगेंस्ट क्या कर पाएंगे, पहले गॉडफ्रेन प्लेस उन्होंने डाउन किया गॉडफ्रेन ग्लैड ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के खिलाड़ी को और टीम एक्सपायर फायदा वो उठा सकते हैं, स्मोक करना पड़ेगा ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के प्लेयर्स को, एक-एक करके यहां पे नहीं जाएंगे, एक-एक करके प्लेयर्स खत्म होते आपको नजर आएंगे, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग फेथ कोई फेथ बचा है क्या जी, देखो वो भी खत्म होते आपको नजर आए, नाउ ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग विद द लास्ट वन स्टैंडिंग अंदर रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करा गया है, बट क्या टीम एक्स पार्क उनके घर में घुसे प्लेयर्स को खत्म कर पाएंगे, कोशिश करते हुए सालम उधर आपको आदित्य भी देखने को मिलेंगे, आदित्य गेट्स इट, पूरा को डाउन किया गया था फेथ के पूरी भाई पूरी भाई शोर देखो टीम एक्स पार्क कह रहे हैं स्टोरी भी मेरी ग्लोरी भी मेरी एंड दे आर डूइंग इट वेल, एक कहानी जो वो लिखना चाहते हैं और शायद उसकी शुरुआत हो चुकी है, सॉरी वो आखिरी खिलाड़ी बचे वो निंजा जॉर्ज गाड़ी चला दी गई और शायद अब ये आखिरी जो मुकाबला है गॉडफ्रेन ग्लैडिएटर्स और साथ ही साथ टीम एक्सपर्ट इनके बीच में होने वाला है, बट गॉडफ्रेन 10 फिनिशर्स के साथ वहीं पे टीम एक्सपर्ट उनको भी देखना है कि उनके पास कितने फिनिशर्स रहेंगे, बट डेस्ट्रो द डिस्ट्रॉयर डाउन किए जाएंगे आदित्य के द्वारा और तीसरा पायदान बट टीम एक्सपर्ट वर्सेस गॉडफ्रेन, एक 4v3 की चुनौती पहला मैच ग्रैंड फाइनल चीयर देखो चीयर 2023 निंजा जॉर्ज चार फ्लैग्स को निकाल चुके हैं टीम एक्स
अगले मैच की प्रेडिक्शन बताओ, कौन लगता है कौन जीतेगा? क्योंकि उन लोग भी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला उन लोग, ठीक है। गॉडसन भाई की प्रेडिक्शन है, मेरे को लगता है ब्लाइंड इसमें कमबैक कर सकती है, देखते हैं क्या होता है। क्या वो एक चिकन लेके जा सकते हैं? सुंदर स्कोरिया M4, चौथा फिनिश सामने है, पांचवा फिनिश सामने है, शायद छठा भी, लेकिन रिवाइवल हो चुका है। 1 vs 3 जोन है के, लेकिन शायद अगला पता ना बचे, एक बार फिर से वार करने की उनकी कोशिश थी, कोशिश जारी है, क्लच निकालने की कोशिश जारी है, एक सुपरस्टार बनने की, आतंक की क्लोज इन करते हुए पीछे से कवर देते हैं मुकाबला जहाँ पे उन्होंने अपनी टीम के लिए चिकन डिनर निकाला और एक बढ़िया वापसी हुआ स्पोर्ट्स भाई। यहाँ पे रेवरेंट जीत रही है, तुम यहाँ देखो, यहाँ देखो बैक टू बैक बेहतरीन मुकाबले जो उन्होंने निकाले, सेलिब्रेशन तो यहाँ चल रहा है, इनके पास देखने को मिल जाता है। ये एक बड़ा मुकाबले में वापसी करने की कोशिश कर रहे थे, बट पैरा भी थी एक डीबीएस के साथ वो मौजूद, और साथ ही साथ गॉड से उनका डायरेक्ट वो जो स्टैमिन है वो भी आ चुका है। इन दोनों ही बिल्डियों की फाइट में एक बंदर जो बाजी मार के जाएगा, रियो वाइटियों को भी टेक डाउन किया जाएगा, हाहाकार मचा दिया है गॉड ट्रेन ने। पैर अभी टीसी बचते आखिरी खिलाड़ी, एक 1v4 की चुनौती डाउन किए जाएंगे, गॉड ट्रेन सुप्रीम और जाता हुआ गॉड ट्रेन देखा उसे बेंजा जॉन एक बार फिर से वो नायक बनते हुए अपनी टीम के लिए, और ट्रेन में चिकन डिनर की जरूरत थी, और चिकन डिनर के बाद पहला शायद हो सकता है कि चिकन सामने हासिल कर पाए, जिस तरीके से गॉड ट्रेन निकाले हैं, गॉड ट्रेन जीती भाई, और यहां पे दिखा दिए तक ले चेक कर रहे हैं गॉड ट्रेन के खिलाड़ियों का बहुत गणेश भी उसी खिलाड़ी के पास गया है, तो मैं बात की चलता हूँ कि एक लंबा जंप बहुत प्यारा। चलो दिस विल एंड माय ब्लॉग फॉर द डे, अभी बहुत थोड़ी देर में तुम देख लोगे मेरे चैनल पे, हुए अरे आवाज जाएगी ज्यादा। चलो गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।